हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो ऑफ चैनल। इस वीडियो में हम एमएससी फर्स्ट सैम के जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस डिस्कस करेंगे और आपको ब्रीफली बताया जाएगा कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले मैं ऑफिस ऑटोमेशन टूल लेके चल रही हूँ, जो कि मेरा फंडामेंटल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें हमारा पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, वर्ड है, इनके बारे में पता होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आएगा, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाते कैसे हैं, उसमें हम डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन, इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना, अंडू करना, रीडू करना, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, लाइन में स्पेस कैसे देना, स्पेस बिफोर आफ्टर बुलेट्स का, नंबर्स का यूज़ करना सिखाएंगे, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको कैसे ठीक करेंगे, हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, इसमें इंसर्ट पिक्चर कैसे करेंगे, शेप को कैसे इंसर्ट करेंगे, मेल मर्ज का यूज़ है। सेकेंड जो यूनिट है वो मेरी एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी भी एक्सेल में रो को कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, डेट एंड टाइम के बारे में, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, स्टेटिस्टिकल फंक्शन है इसमें, मर्ज एंड सेंटर मतलब दो को ज्वाइन कैसे करना है, चार्ट्स हैं, कॉलम हैं, रो की हाइट कैसे बतानी है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग द डाटा। थर्ड यूनिट भी हमारी है जो वो लुकअप एंड रेफरेंसेस जो एक्सेल से रिलेट करती है, इसमें पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है हमारे पास, फंक्शन डाटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटाबेस फंक्शन क्या होता है मेरे पास, डायनामिक पाइवट चार्ट्स क्या होते हैं। फोर्थ यूनिट मेरी पीपीटी से रिलेटेड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें स्लाइड कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं हम, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट की पिक्चर कैसे डालते हैं, क्लिप आर्ट का, स्क्रीनशॉट का कैसे यूज़ करते हैं, शेप्स के बारे में बताते हैं, स्लाइड शो, किसी भी प्रिंट करना किसी भी स्लाइड को, वो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताता है। तो ये सब सिलेबस था ऑफिस ऑटोमेशन टूल का। रिकमेंडेड बुक्स नीचे गिवन है, आप पढ़ सकते हो जब आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो सिलेबस है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो ये अच्छे से पढ़ना मतलब बहुत अच्छा है और समझ में आने वाला चैप्टर है इसमें। सबसे पहले यूनिट 1, 2, 3, 4 ठीक है, नीचे रिकमेंडेड बुक्स है, जैसे ईजी पढ़ती है खन्ना भाभरी, पी वी भट्टाचार्य, ये अच्छी बुक्स हैं, और जिसको फॉरेन लैंग्वेजेस वाली पढ़नी है वो भी इसमें मैंशनड है। फर्स्ट यूनिट में हम ग्रुप थ्योरी, सेकेंड यूनिट में भी ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ है वो रिंग और फील्ड से हमारी बनती है, जो कि हमने बीएससी में पढ़ी है ग्रुप एंड रिंग वाली बुक। फर्स्ट यूनिट में हम नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज क्या होता है, सेंट्रल सीरीज क्या होता है, डिराइव सीरीज क्या है, जो दो इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये जो थ्योरम्स है वो कई बार 8 मार्क्स में भी, 10 में भी, 12, 16 किसी भी मार्क्स में आ जाती है, जॉर्डन होल्डन थ्योरम और जशन हाज या फिर बटरफ्लाई लेमा के नाम से भी आता है ये। किसी भी ग्रुप की सॉल्वेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है। सेकेंड यूनिट है निलपोटेंट से रिलेटेड है, ये भी ग्रुप का ही पार्ट है। निलपोटेंट क्या होता है, किसी भी ग्रुप को निलपोटेंट होने के लिए सेंट्रल सीरीज की ज़रूरत कैसे पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पर हमें बता रखा है सिलो सब ग्रुप। सिलो सब ग्रुप तीन थ्योरम है इसकी, सिलो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, पेपर में एक ना एक आई जाती है, कई बार 16 मार्क्स में, कई बार 10 मार्क्स में भी। और जो थर्ड है वो मेरा रिंग क्या होता है, फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होगी, सेपरेबल क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड कैसे निकालते हैं हम, अलजेब्राइक क्लोज्ड फील्ड कैसे निकालते हैं, तो ये सब मेरा थर्ड यूनिट से रिलेट करता है। फोर्थ यूनिट में है फील्ड की एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड फील्ड क्या होता है, गैलोइस एक्सटेंशन क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम, गैलोइस थ्योरी, ये नेमिंग थ्योरम है, जो ये फंडामेंटल थ्योरम मैंने बताई है आपको, ये कई बार एग्जाम में 16 मार्क्स में आती है। नेक्स्ट हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्री टोपोलॉजी, जो कि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने प्रीवियसली भी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल आपको ऐसे बेसिक जैसे हम ए टू जेड पढ़ते हैं उस तरीके से सिखाया जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, कंपैरिजन करना किसी भी टोपोलॉजी में, किसी भी दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन क्या होगा, नेबरहुड के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्लोजर, डिराइव ऑफ ए सेट, एडवेंट पॉइंट, बाउंड्री ऑफ ए सेट, सेट का क्लोजर, इन सब की प्रॉपर्टीज जो आपने रियल में पढ़ी है बट टोपोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये सब हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड में हम पढ़ेंगे कि डेंस सेट क्या होता है, डेंस बेस ऑफ ए टोपोलॉजी क्या होता है, सब बेस ऑफ ए टोपोलॉजी क्या होता है, इंड्यूस टोपोलॉजी क्या होती है, कर्टोसिस क्लोजर ऑपरेटर, ये एक थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार 16 मार्क्स में भी आ जाती है। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेपरेबल काउंटेबल स्पेस, और हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमने इनके सब स्पेसिस के बारे में बताना होता है, जो इनसे सब स्पेस बनते हैं, क्या वो फर्स्ट काउंटेबल होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दे रखे हैं सेपरेबल एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस, लिंडलॉफ
थ्योरम डेफिनेशंस और इसकी एग्जाम्पल करने हैं आपको, और ये जो है जो फंक्शन से रिलेटेड है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है फंक्शन की, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होगा, ओपन और क्लोज फंक्शन क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म और एम्बेडिंग क्या होती है। फोर्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है, जैसे इसमें आपको स्पेसिस T0, T1, T2 इन स्पेसिस के बारे में पता लगेगा, रेगुलर स्पेस क्या होता है, रेगुलर से T3 स्पेस बनता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दे रखी है इनकी हेरिडिटी प्रॉपर्टीज़ भी आपको करनी है, टिकनोफ स्पेस क्या होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टिकनोफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होती है, प्रोजेक्शन मैप क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड ओपननेस करेक्टराइजेशन बतानी है किसी भी टोपोलॉजी की। तो ये सारा जो सिलेबस मैंने आपको बताया है कि टोपोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो रियल एनालिसिस का है, जो फर्स्ट यूनिट और जो सेकंड यूनिट है वो आपकी प्रीवियस जब बीएससी में रियल पढ़ा है उससे रिलेट करती है, थर्ड और फोर्थ नहीं हुआ है। मीट्रिक स्पेस क्या होती है, ओपन या क्लोज सेट यूनिट स्पेस, यूक्लिडियन सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, कन्वर्जेंस कोशी सीक्वेंस। सेकेंड यूनिट हमारी जो लास्ट के 6, 7, 8 चैप्टर है उससे रिलेट करती है बीएससी वाली रियल एनालिसिस बुक से, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस उसके एग्जाम्पल, कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस, बोल्ज़ानोव-स्ट्रास प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है। थर्ड यूनिट है कन्वर्जेंस के बारे में है कि कोई भी फंक्शन कन्वर्जेंस कब होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कोशी क्राइटेरिया उनका, सीक्वेंस में भी पढ़ना है सीरीज़ में भी पढ़ना है, विस्ट्रास एम टेस्ट क्या होता है कोशी सीक्वेंस और सीरीज़ के लिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, विस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जो कि कई बार 8 मार्क्स में एग्जाम में आ जाती है। फोर्थ यूनिट में मोस्टली नेमिंग थ्योरम्स है जो मैंने अंडरलाइन कर रखे, यंग शेक्वार्ट्स जो आपने बीएससी में पढ़ी है, टेलर थ्योरम भी बीएससी में पढ़ी है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भी आपने पढ़ी है, और इम्प्लिसिट थ्योरम आपके लिए नहीं है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम भी नहीं होगी। इनमें से कई बार जो नेमिंग थ्योरम 8 नंबर में भी आ जाती है, कई बार 16 नंबर में भी आती है, कई बार 10 नंबर में भी आ जाती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे ओपन सेट आर एन का, चेन रूल क्या होता है और पार्शल डेरिवेटिव्स के बारे में। नीचे रिकमेंडेड बुक्स आपको मैंने हर एक में शो करी है, तो जो आपको अच्छी लगे उस पब्लिशर के आप पढ़ के नॉलेज अच्छी गेन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने आपको सारा कोर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस कर दिया है, एंड आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे।